जेडीयू सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले शरद यादव आज दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। महागठबंधन से नाता तोड़ नीतीश के बीजेपी से हाथ मिलाने से नाराज शरद अपने आगे की सियासी राह तलाशने के लिए दिल्ली में साझी विरासत बचाओ के नाम से एक सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित 17 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। शरद की बगावत के बाद जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा में अपने संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया। इसके अलावा शरद का साथ देने वाले राज्यसभा के सांसद अली अनवर के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और बिहार में शरद यादव के करीबी 21 नेताओं को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया। ऐसे में अब शरद यादव के लिए भी अपनी और अपने साथ साथ अपने करीबी नेताओं के सियासी भविष्य के लिए रास्ता तलाश करना है। शरद के इस सम्मेलन को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। शरद विपक्षी एकता की कोशिश में लग गए हैं। उन्होंने देश की 17 पार्टियों को इस सम्मेलन में बुलाया है, जिनमें कांग्रेस से राहुल गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, सीपीएम से सीताराम येचुरी, एनसीपी से तारिक अनवर जैसे नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। शरद ने बाबा साहब अम्बेडकर के पड़पोते प्रकाश अम्बेडकर को भी बुलाया है और महाराष्ट्र के किसान नेता राजू शेट्टी को भी, जिनकी संस्था स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के आजकल एनडीए से संबंध ठीक नहीं चल रहे। शरद ने अभी तक नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन वो पार्टी लाइन से अलग जाकर सम्मेलन कर रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि ये सम्मेलन किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश की साझी विरासत बचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि किसानों की खुदकुशी और रोहित वेमुला जैसे कांड, ऊना में दलितों पर हमले जैसी घटनाओं ने उन्हें इस सम्मेलन को बुलाने के लिए प्रेरित किया। उधर जेडीयू अभी तक शरद के खिलाफ सदी हुई भाषा में जवाब दे रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि शरद अगर देश की साझी विरासत बचाने के लिए लोगों को लामबंद करते हैं तो उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शरद 27 अगस्त को पटना में होने वाली लालू की रैली में हिस्सा लेते हैं तो जेडीयू में उनके लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। जेडीयू भी 19 तारीख को पटना में पार्टी की बैठक करने जा रही है, जिसमें औपचारिक रूप से जेडीयू के एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।